बात करते हैं वापस से 31 फीचर की, तो वापस से हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको डायनेमिक इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पर आना नीचे चार्जिंग एनिमेशन। चार्जिंग लगाने के बाद कैसा आना चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ आपको एनिमेशन मिलते हैं, ज्यादा हो चुके हैं, पहले आपको 4-5 इतने ही मिलते थे, अभी ज्यादा हो चुके हैं। जो आपको एनिमेशन अच्छा लगता है वो रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चार्जिंग लगाने के बाद इसी तरह वो एनिमेशन लॉक स्क्रीन पर आएगा। बात करते हैं 32 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग जाने के बाद और आपको यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर यूएसबी इंसर्ट एनिमेशन, आप यूएसबी कनेक्ट करेंगे तो कैसा आना चाहिए एनिमेशन। ये तीन आपको एनिमेशन लगते हैं मिलते हैं यहाँ पर, जो एनिमेशन आपको अच्छा लगे उस तरह से इसको क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। 33 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे वापस से सेटिंग में और आपको एनिमेशन में आना, सॉरी आपको डायनेमिक इफेक्ट में आना है। आने के बाद और आपको आना है नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है। जब भी आप स्क्रीन को ऑफ करते हैं, अभी ऑफ कर रहा हूं मैं स्क्रीन को, अभी कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा ना, डायरेक्ट अभी ऑफ रहा है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऑफ रहा है। तो यहाँ पर एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक इस तरह से एनिमेशन आता है नीचे से उठकर गए ऐसा हुआ ना, तो आप देख सकते हैं नीचे से गया ऐसा दिख रहा है। तो फिलहाल आप इस तरह से एनिमेशन वगैरह रख सकते हैं। तो बात करते हैं 34 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में 34 फीचर की बात करने के लिए और आपके यहाँ पर दिखता होगा साउंड, आपको साउंड पर क्लिक कर लेना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट है, मीडिया है और रिंगटोन है। अब मीडिया करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है, आप यहाँ पर रिंगटोन करेंगे तो डायरेक्ट रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद अब रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना, क्योंकि अगर आपको फोन साइलेंट करना है तो लॉन्ग प्रेस करना है वॉल्यूम मनत बटन पर, तो इस तरह से साइलेंट भी हो जाता है आपका स्मार्टफोन, इस तरह से आप कर सकते हैं। बात करते हैं 35 फीचर की, तो क्या करेंगे वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आप आना नीचे, और नीचे आना है साउंड पर, आपको क्लिक कर लेना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद वाइब्रेट फॉर कॉल्स आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके ऑलवेज वाइब्रेट कर लेना। आपको जब भी कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। बात करते हैं 36 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको साउंड पर क्लिक करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब है, यहाँ पर इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। ये टर्न ऑन करेंगे ना तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप है ना मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं तो आप गाली भी खाते हैं बॉस के तरफ से, तो इसको ऑन कर लेना। आपको कॉल मैसेज कुछ भी आया तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कॉल मैसेज आ रहा है बोलकर, इसको ऑन भी कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। आपका डेली मीटिंग है तो यहाँ पर आप टाइम वगैरह रख सकते हैं, एंड टाइम स्टार्ट टाइम, आपकी मीटिंग टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, खत्म होती है मीटिंग। तो चलिए इस तरह से बात करते हैं आगे बढ़कर 37 फीचर की, वापस साउंड पर क्लिक करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और आपको आना है नीचे, और नीचे आना है डायल पैड टून है, ये सारे साउंड को ऑफ करना है। ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कैसे आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप इनको ऑन करके यूज करते हैं तो टच करेंगे, लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपका स्पीकर से साउंड आता है, एक्स्ट्रा बैटरी वहां से कंज्यूम होती है। इसको ऑफ करेंगे तो स्पीकर ऑफ रहेगा, बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, एक्स्ट्रा आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। बात करते हैं 38 फीचर की, आपके यहां पर ये बटन जो दिख रहे हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, तो आप जाना सेटिंग में और साउंड पर क्लिक करना और नीचे आना। यहाँ पर आप देख सकते हैं टच वाइब्रेशन है, इस पर आप क्लिक करके इसको ऑन करेंगे तो आप बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाता है। 39 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा एप्स एंड नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना, सी ऑल एप्स पर आपको क्लिक कर लेना। कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में यहाँ पर ऊपर नहीं आना चाहिए मैसेज आने के बाद में, फॉर एग्जांपल क्रोम से बहुत सारे मैसेज आते हैं, परेशान हो जाते हैं हम नोटिफिकेशन आने के बाद में यहाँ पर, तो इसको अभी नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करके यहाँ से ऑल क्रोम नोटिफिकेशन इसको ऑफ करना है, ऑफ करेंगे तो आपको क्रोम से कोई भी मैसेज आए तो यहाँ पर ऊपर वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर बात करते हैं 40 फीचर की, यहाँ पर अभी कमाल के फीचर बताते हैं। लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ से, अगर आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर क्लिक करना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री सब कुछ बता देगा जो मैसेज आपको आया है। 41 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं एड आइकॉन टू होम स्क्रीन है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ, ये मान लो कि आपको कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं आप, तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं, होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन करना, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। 42 फीचर की बात करने के लिए वापस हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा बबल्स, बबल्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से यह ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना है। आप फेसबुक मैसेंजर से आपको बबल में आता है मैसेज, इस तरह से वो आता है, कोई भी आपको मैसेंजर वाले एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में इस तरह से आप यूज कर सकते हैं वो। तो चलिए बात करते हैं 43 फीचर की, तो वापस हम क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन सेटिंग में आएंगे, होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैट्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर इसको आप डू नॉट शो एनी नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप डू नॉट शो एनी नोटिफिकेशन करेंगे
तो जो लॉक स्क्रीन पर आप इस तरह से रखें फोन, तो कोई भी आपको मैसेज नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर ये नहीं बता देता है। जिस तरह से अभी ये बता रहे हैं इसको निकालना है तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए डू नॉट शो एनी नोटिफिकेशन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर ये क्लीन रहेगा, यहाँ से नोटिफिकेशन ही नहीं दिखाएंगे। आप करना चाहते हैं तो आप शो आप कर सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन, आप करने के बाद इस तरह से नोटिफिकेशन शो हो जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 44 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, ऐप आइकन बैड्स पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है, और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। अब मान लो कि आप इस तरह से लॉक करके रखें फोन को, तो आपको कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है आने के बाद तो इस तरह से आपका अनलॉक हो जाता है, अनलॉक तो नहीं इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। आप करना चाहते हैं तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना। बात करते हैं 45 फीचर की, लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आएंगे, ऐप आइकन बैड्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार, जो क्लियर करने के बाद जो नोटिफिकेशन क्लियर हो जाते हैं वो साइलेंट नोटिफिकेशन कहते हैं उनको। तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर वो आइकॉन नहीं बता देंगे, वो हाइड हो जाएंगे साइलेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए बात करते हैं 46 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, ऐप आइकॉन बैड पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। डू डॉट आप कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं और आप डू नॉट डिस्प्ले भी आप कर सकते हैं। आप डॉट करेंगे ना तो आप मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा। आप नंबर करेंगे ना तो आपको कितने नोटिफिकेशन आए, कितने मैसेज आए हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर एक क्वांटिटी बता देगा। इस तरह से आप जैसा आपको चलेगा उस तरह से आप कर लेना। बात करते हैं 47 फीचर की, लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, ऐप आइकॉन बैड पर क्लिक करके और नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड है, यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। बात करते हैं वापस से 48 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आएंगे सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन है, यहाँ पर ग्लोबल सर्च है। फिलहाल ये क्या आपको बताता हूँ, इस तरह से हम नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो इस तरह से सर्च आ रहा है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा फीचर लेकर आएंगे, उसी सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन सेंडर करेंगे। तो बस आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है, तो बस इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा, आपको ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं। 49 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आप देखते हैं ऐप रिकमेंडेशन बार है, यहाँ पर इसको ऑन ऑफ भी यहाँ पर कर सकते हैं, इसको ऑन ही कर लेना। 50 फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग वापस से, तो चलिए सेटिंग में हम जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे इस तरह से और सेटिंग में जाएंगे। जाने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा सिक्योरिटी, तो चलिए सिक्योरिटी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे इस सेटिंग को आप ऑन करके रखेंगे। तो 51 फीचर की बात करते हैं, वापस हम जाएंगे सेटिंग में, सिक्योरिटी पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर सिक्योरिटी पर क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक है और आप स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे तो आप जो लॉक रखना चाहते हैं स्क्रीन पर आप लॉक रख सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, पैटर्न रख सकते हैं, पिन रख सकते हैं या पासवर्ड रख सकते हैं। अगर आपको फिंगरप्रिंट रखना है तो यहाँ पर ठीक नीचे आपको फिंगरप्रिंट दिखता होगा, इस तरह से आप क्लिक करके आप सेट करके यहाँ से आप फिंगरप्रिंट भी रख सकते हैं। उसके अलावा आपको फेस लॉक रखना है तो उसके ठीक नीचे आपको फेस लॉक दिखता है, यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से आप फेस लॉक भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं फेस लॉक आपको सेट करके बता देता हूँ। तो चलिए ये फेस लॉक भी सेट हो रहा है मेरा, तो इस तरह से फेस लॉक सेट हो गया। तो चलिए फेस लॉक सेट हो गया, तो इसके बाद हमसे हम यहाँ से इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसको इस सेटिंग को ऑफ करना है आपको, ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं डायरेक्ट अभी फेस लॉक आपका अनलॉक हो जाता है, बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अनलॉक हो जाता है। इस तरह से फेस लॉक भी आप रख सकते हैं। 52 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना नीचे, इस तरह से हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा और शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है, स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। ये रेस्ट टू वेक है, इसको ऑन करेंगे तो टेबल पर जेब में कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। 53 फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखता होगा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको स्मार्ट मेंशन दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आपको उसी सेटिंग में आना है, आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डबल टैप टू वेक है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। मान लीजिए आपका स्मार्टफोन लॉक है, आपको ऑन करना है स्क्रीन को तो डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद बात करते हैं 54 फीचर की, 54 फीचर की बात करने के लिए ना हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना नीचे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी उसी सेटिंग में आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर स्मार्ट फंक्शन दिखता होगा, इस पर क्लिक करके इसको उसी सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन है, ये कि आपको बता दूं बहुत ही कमाल का फीचर है। अब मान लो कि जहां पर खाली जगह आपको दिखता है वहां पर डबल टैप करेंगे ना तो स्क्रीन इस तरह से ऑफ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वापस से हम 55 फीचर की, क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में हम जाएंगे और आपको आना नीचे, इस तरह से नीचे आना है, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी इसी सेटिंग में आना है, स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है, स्मार्ट वेक पर आपको क्लिक कर लेना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं स्वाइप अप टू अनलॉक है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे, लॉक पर आप हैं तो इस तरह से आप ऊपर स्वाइप अप करेंगे तो ये अनलॉक हो जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं 56 फीचर की, तो उसके ठीक नीचे दिख रहा है स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो है, और इस तरह से लॉक स्क्रीन पर आप हैं तो नीचे लेकर आएंगे उंगली तो कैमरा ओपन हो जाता है, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम और फीचर की बात करते हैं 57 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में, तो चलिए सेटिंग जाकर वापस से हम जाएंगे शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी, उसी सेटिंग में आएंगे, स्मार्ट व्यंजन पर हम क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा स्मार्ट ब्रेक, उसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है ड्रॉप सी टू लॉन्च डायलर है, आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो ड्रॉप सी करेंगे तो ये डायलर लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा और भी फीचर आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, सबको आप ऑन कर सकते हैं, ड्रॉ एफ करेंगे तो फेसबुक ओपन हो जाता है, लॉक स्क्रीन पर एफ करेंगे तो वगैरह वगैरह आप यहाँ पर कर लेते हैं कर सकते हैं सारी सेटिंग्स। तो बात करते हैं ऊपर 58 फीचर की, तो जाएंगे हम सेटिंग में, सेटिंग में जाकर बात करते हैं अभी और आपको आना उसी शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी सेटिंग में आना, स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर स्मार्ट कॉल पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट कॉल है ये ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बताया, तो हम मान लो कि आपको कॉल आता है तो जैसे आप कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो कॉल रिसीव हो जाएगा, आपको क्लिक करके ऑन करने की मतलब रिसीव करने की जरूरत नहीं। बात करते हैं 59 फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना है उसी शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी सेटिंग में आना है, स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना और स्मार्ट कॉल पर आपको क्लिक कर लेना और आपको आना नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट यहाँ पर म्यूट है, अगर आपको कॉल आता है तो आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, रिंगटोन तो बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान है तो इस तरह से फ्लिप करना है फोन को, फ्लिप करेंगे तो रिंगटोन म्यूट हो जाएगा, कॉल तो आता ही रहेगा, और आप इसको भी ऑन कर लेना, आप कॉल आता है तो आप कान के पास लेकर जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक कॉल रिसीव होना चाहिए। तो इसके बाद बात करते हैं 60 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना है उसी शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, यहाँ पर स्मार्ट वेंचर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर शेयर टू टर्न ऑन फ्लैशलाइट, अगर आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो इस तरह से आप डबल चेक करना फोन को, फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी। हम बात करते हैं 61 फीचर की, वापस से क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, यहाँ पर क्विक एक्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक एक्शन है तो आप वैल्यूम मैनेजर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी फ्लैशलाइट ऑन हो रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें आप दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी ऐप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, तो यहाँ पर हम यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया तो अभी लॉक स्क्रीन पर आप हैं तो वैल्यूम मैनेजर बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से डायरेक्ट वो यूट्यूब ओपन हो जाता है, इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं 62 फीचर की, 62 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा इजी टच है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना, ऑन करने के बाद यहाँ पर एक इस तरह से एक फीचर निकल कर आएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फोन को, मतलब स्क्रीनशॉट फोन को नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फ्लैशलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर है, उसके अलावा यहाँ पर पॉपअप में कर सकते हैं, कैलकुलेटर एक कमाल का फीचर है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको एग्री वगैरह करके, उसके बाद आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन, और इजी टच सेटिंग है, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसके स्किन्स भी चेंज कर सकते हैं, अभी फिलहाल इस तरह से आ रहा ना तो ये चेंज आप कर सकते हैं, इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ, अब यहाँ पर आप देख दें इस तरह से आ चुका है, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं 63 फीचर की, क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाकर आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, आने के बाद आपको यहाँ पर और दिखता होगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, वीडियो कॉलिंग के लिए फेस ब्यूटी आप यहाँ पर कर सकते हैं, इन एप्लीकेशन को यहाँ से आप उतने एप्लीकेशन मिल जाते हैं। 64 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, और भी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, फ्लैशलाइट नोटिफिकेशंस है, यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स है, अगर आपको कॉल आता है तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी, और मैसेज है, अगर आपको मैसेज आता है तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगा, तो इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 65 फीचर की, यहाँ पर टास्क टाइमर है, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर वाइब्रेशन मोड रख सकते हैं, यहाँ पर शेड्यूल करके, उसके अलावा यहाँ पर एरोप्लेन मोड भी रख सकते हैं, और वगैरह वगैरह यहाँ पर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं शेड्यूल करके, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं वापस से 66 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, 100 है, यहाँ पर आप इस तरह से इसको ऑन करेंगे तो यूं इस तरह से करेंगे ना तो ये 100 मोड ऑन हो जाएगा, छोटा स्क्रीन, इस तरह से आप करके यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं 67 फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, और आपको यहाँ पर एसेसिबिलिटी पर आपको क्लिक कर लेना और नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रिमूव एनिमेशन मिलेगा, इसको ऑन करेंगे तो आप बैक आएंगे, ओपन करेंगे तो एनिमेशन नहीं आ रहा है, कितना स्पीड हो चुका आपका स्मार्टफोन ऑफ करके, एक बार बता रहा हूँ ओपन करके क्लोज करके एनिमेशन आ रहा है ना, तो कितना क्लोज करेंगे ओपन करेंगे तो
स्लो हो रहा है। थोड़ा यहाँ पर रिमोट एनिमेशन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कितनी स्पीड ओपन आता है, कितनी स्पीड क्लोज होता है, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं उसी सेटिंग में। और नीचे आना है, बात करते हैं 68 फीचर की, पावर बटन एंड कॉल है, इसको ऑन करना है। ये क्या आपको बताता हूँ, अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो कॉल काटना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाएगा। और नीचे आना है, नीचे आने के बाद बात करते हैं 69 फीचर की, यहाँ पर हाई कॉन्टेस्ट टेस्ट है, इस तरह से आपने टेस्ट को आप हाई कर सकते हैं, फंड्स को आप देख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहां पर वो भी कर सकते हैं। 70 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको आना नीचे, यहां पर आप देख सकते हैं सिस्टम आपको दिख रहा होगा, सिस्टम पर आपको क्लिक कर लेना है, यहां पर सिस्टम नेविगेशन है, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, इसको आप हाइड कर सकते हैं, इस पर आपको करेंगे सिस्टम मतलब जेस्चर नेविगेशन पर आप क्लिक करेंगे तो बटन हाइड हो जाएंगे। आप बैक आना तो यहां से आ सकते हैं, यहां से आ सकते हैं, होम बटन पर क्लिक करना तो नीचे इस तरह से क्लिक करके होम बटन क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना तो नीचे से होल्ड करके बस इतना करना है, यहां से रिसेंट टैक्स भी आप रिमूव कर सकते हैं। बात करते हैं 71 फीचर की, तो आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है, यहाँ पर थोड़े फीचर्स आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको आना है आई प्रोटेक्शन, यहाँ से आपको मिल जाएगा, एस कैप्चर के फीचर आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, स्क्रीन एनिमेशन है, ये वगैरह वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इतना ही आप करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो भी आप कर सकते हैं, ये आपको एस कैप्चर में बहुत ही बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं। बात करते हैं 72 फीचर की, तो आपको यहाँ पर और फीचर मिल जाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं, नियर बाय शेयर है, अब शेयर तो बंद हो चुका है, यहाँ पर नियर बाय शेयर से आप यहाँ पर फाइल ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। वैसे आपने देख लिया वीवो V21 5G स्मार्टफोन के टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स वाला पार्ट 2 वीडियो भी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा पार्ट 1, आप जरूर देख लेना पार्ट 1 को भी, क्योंकि पार्ट 1 में आपको मैं 30 फीचर ऐसे बताए हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग 30 फीचर्स बताए हूँ, आप जरूर देख लेना पार्ट 1 को, लिंक नीचे मिल रही है। तो चलिए भी मिलते हैं हमसे एक और वीडियो में, तो सांस कोडे यहीं पर खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद ही आया होगा, मिलते हैं हमसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।